नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेलकम, जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपके लिए क्या हूँ कुछ पांच ऐसे गेम जो कि मेड इन इंडिया एंड खास बात दोस्तों ये आपके लिए पीसी प्लेटफॉर्म के लिए सभी गेम उपलब्ध है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई घर के आ रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर से सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड इन सभी गेम्स का लिंक, अगर आपको इनमें से कोई भी गेम अगर आपको इंस्टॉल करना है, इन पांचों गेम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके फटाफट से इसे इंस्टॉल कर लो। आपने हमें इंस्टाग्राम एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो, जाके फटाफट से ज्वाइन करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बल्कि जो हमारा पहला गेम निकल के आता है उसका नाम है राजी। एंड दोस्तों राजी एक इंडियन एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया नोडिंग हेड गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है super.com के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये अनरियल इंजन 4 में टोटली गेम को डेवलप किया गया है। साथ ही साथ गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए। एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 18 अगस्त 2020 को। बेसिकली अभी तक ये सिंगल प्लेयर में आया है। स्टोरी की बात करें कि इस गेम में आपको बेसिकली करना क्या रहता है एंड गेम के ग्राफिक्स कैसे। मेन कैरेक्टर है उसका नाम राजी रहता है, वो अपने भाई के साथ, जो उसका भाई रहता है गोलू, उसके साथ जाके राजस्थान के एक छोटे से गांव में जाके वो कुछ कर्तव्य दिखाती है। दिन वो कर्तव्य दिखाती है उसी दिन रक्षाबंधन रहता है एंड वो अपने भाई को राखी बांधती है। देन आफ्टर उसका भाई पपेट शो दिखाने के लिए मेला में चले जाता है। तो जैसे ही वो पपेट शो दिखाते ही रहता है, स्टोरी के एंड में जो वो पपेट शो करता है एंड दिखाता है कि कोई कैसे असुर लोग धरती पे आके तहस महस तबाही वाही कर रहे थे एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम उसी दिन असुर आ जाते हैं मेले में एंड गोलू को उठा के ले जाते हैं एंड साथ ही साथ कुछ बच्चे को उठा के ले जाते हैं। एंड यहीं पर स्टार्ट होता है अब मेन गेम करती है बेसिकली, अब की जितने भी असुर रहते हैं उनसे फाइट करती है एंड अपने भाई गोलू को मतलब रेस्क्यू करती है। तो बेसिकली यही पूरा स्टोरी लाइन है दोस्तों। एंड गेम की ये ग्राफिक्स की बात करें पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। गेम का ग्राफिक्स बहुत ही ऑसम है, आपको ज़रूर से इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर मैं थोड़े बात कर लेना चाहता हूँ। सो बल्कि जो गेम का मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो टेस्टेड है, मैंने इस गेम को खेला एंड मैं बता रहा हूँ कि आप इस गेम को खेल के बोर नहीं होंगे, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भाई 1GB में ये गेम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 का मिनिमम प्रोसेसर आप पीसी लैपटॉप पे होना चाहिए, 8GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी लैपटॉप पे। तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको बाय करना है तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जाके इस गेम को बाय कर सकते हैं आप स्टीम से। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। तो वेल गाइस, जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उसका नाम है, मैं गेम के बारे में थोड़ा आपको बात कर लेना चाहता हूँ दोस्तों। ये गेम आपका वैली लैंड पे है, ये एक आईलैंड है जहाँ पर आपको एक आबिद जो एक बिजनेसमैन है एंड बहुत ही भयंकर यार क्रिमिनल है, मतलब इधर उधर का सामान वान ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता है, तो उसको आपको मारना रहता है। तो कौन मारता है, अजय जो रहता है वो अंडरकवर कॉप रहता है जो कि आबिद के अड्डे पे जाता है, मतलब आई थिंक उसके टीम को ज्वाइन कर लेता है, उसके गैंग को डिस्ट्रॉय करने जाता है एंड बेसिकली वहाँ जाके वो पकड़ा जाता है। उसका जो भाई रहता है दोस्तों, वो अजय को छुड़ाने के लिए वो वैली लैंड में जाता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि तुम्हारा भाई वहाँ पर है। तो जैसे ही वो बचाने जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर वो ये देखता है कि जो आबिद के गुंडे हैं जे को मार देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अजय का भाई रहता है वो बहुत गुस्सा में आ जाता है, अब अपन रिवेंज लेते हैं। तो बेसिकली अजय के भाई को एक फ़ोन आता है किसी का जो कि बागी, आई थिंक बागी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋतिक रोशन का है एंड टाइगर श्रॉफ का यहाँ पर आपको फुटेज देखने को मिलेगा वॉर फिल्म का। तो अब बागी उसको बुलाता है दोस्तों, आगे का जो है वो आप जानते हैं। अब ये बागी के साथ अजय का भाई मिल जाता है, आबिद का जितना भी बेस रहता है, जितना भी उसका ठिकाना रहता है अड्डा का, उस सभी को डिस्ट्रॉय करने रहता है। तो बेक बंड वर्ल्ड मिलता है, पूरा अच्छा सा ग्राफिक्स आपको मिलता है एंड बेसिकली ये लो एंड पीसी में भी आपका चल जाए, कोई हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा डेवलपर को तो डेवलपर फाइनली मल्टीप्लेयर भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए गेम सिंगल प्लेयर है, तो बेसिकली बहुत ही जल्दी मल्टीप्लेयर आने वाला है, तो आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो डेवलपर जल्दी ही लेके आ जाएंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट की थोड़ा बात कर लेना चाहता हूँ यार कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए दोस्तों। रैम की बात करो तो मिनिमम 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो डुअल कोर में आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 15GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप में। तो बस दोस्तों यही बताना था कि फाइनली अपना भी एक मेड इन इंडिया गेम आ चुका है जिसका नाम है लास्ट लैंड
एंड वेल गाइस बहुत ही अच्छा गेम है, को फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस मिलता है, तो बहुत ही अच्छा गेम है। मैंने इसे खेला एंड यार कसम से बताऊं तो आप बोर नहीं होंगे। हाँ गेम अभी रिलीज हुआ है 27 नवंबर को, तो इस ग्लिचेस को फिक्स करना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों, आप इसे जरूर खेले। बल्कि जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उसका नाम है असैसिन क्रीड क्रॉनिकल इंडिया, एंड इसका एक ये सेकेंड सीरीज है क्रॉनिकल्स का, तो इसका एक और सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं खेला है तो भाई जरूर से खेलना। तो बेसिकली इस गेम के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। गेम में आपको क्या देखने को मिलेगा, गेम में आपको इंडिया का पूरा मैप स्टाइल देखने को मिल जाएगा। बेसिकली पूरा इंडिया बेस्ड गेम है दोस्तों। मानता हूं इंडिया के डेवलपर ने इस गेम को डेवलप नहीं किया है, बट यहां पर आपको जो लैंग्वेज है वो हिंदी देखने को मिल जाएगा, जो कैरेक्टर्स बात करते हैं, सबटाइटल इंग्लिश में है, बट इसमें जो इन गेम जो कैरेक्टर रहते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। एंड इस गेम को दोस्तों डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा, एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 21 अप्रैल 2015 को, एंड बेसिकली ये आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 4, Xbox एंड आपके PC के लिए भी खेल सकते हो। इस गेम में आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं, एंड दोस्तों गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो काफ़ी ओसम है। गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मेरे भाई हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 6GB के आसपास स्पेस खाली रखना, और प्रोसेसर की बात करें तो भाई इंटेल कोर टू ड्यूओ में गेम आराम से चल जाएगा। और अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है भैया, तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। स्मैश गेमिंग स्टूडियो के द्वारा एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 11 अक्टूबर 2018 को। बेसिकली अभी तक गेम में सिर्फ एक ही मोड है सिंगल प्लेयर का। ये दोस्तों बेसिकली आपकी पीसी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे स्टीम से परचेस कर सकते हो 150 रुपये में। अगर आपको परचेस करना तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप मैं ट्रेन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप एक पायलट का किरदार निभाते हो जो एक ट्रेन ड्राइवर रहता है, एंड वर्ल्ड वॉर टू हुआ था अमरीका नागासाकी एंड हिरोशिमा में, तो वो जो बमबारी हुआ था उसमें जो लोग फंस चुके हैं आफ्टर ये जो भी वॉर हो गया है, यहाँ पर आपको एक पायलट का टास्क दिया जाता है जो कि ऑल ओवर कंट्री में आपको यहाँ पर दूसरे आदमी लोगों का हेल्प करना रहता है, एंड साथ ही साथ जो लोग बीमार हैं एंड जो लोग किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं उनका हेल्प करने का यहाँ पर आपको टास्क दिया जाता है। इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड 512 भी है, एंड स्पेस की बात करें तो 1GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए, और प्रोसेसर की बात करें तो कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको परचेस करना है और खेलना है तो लिंक नीचे है, जाके बाय कर लो। ये तुम्हारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है मुंबई कलीज। अभी तक ये गेम रिलीज नहीं हुआ, बट जल्दी ही ये गेम आपके पीसी कंसोल के लिए आने वाला है। बेसिकली इस गेम को डेवलप कर रहे हैं एओन स्टूडियो, काफ़ी गेम्स बना चुके हैं एंड्रॉयड के लिए, तो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो भाई जाके चेकआउट करो। एंड इसके जो मेन डेवलपर है निखिल मालंकर के बारे में आप जानते नहीं है तो भाई निखिल मालंकर सर गेम डेवलपमेंट के बारे में आपको बहुत सारे नॉलेज देते हैं, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फटाफट से जाके वहाँ आप सब्सक्राइब कर लेना ऑल भी अपडेट्स के लिए। एंड गेम एओन स्टूडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, और लेटेस्ट ट्रेलर अपडेट्स के लिए आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली इस गेम को हम बोल सकते हैं GTA इंडिया। तो बेसिकली ये गेम आपका मुंबई बेस्ड है, एंड इसका जो गेम का ग्राफिक्स आप जैसे ट्रेलर में देख सकते हो काफ़ी ओपी है, एंड पूरा ओपन वर्ल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी इसका रिलीज डेट का कोई अता पता नहीं है कब ये रिलीज होगा, तो मैं आपको मिशन टाइप के गेम मिलेंगे पूरा, जैसे कि अपने से हमें GTA गेम्स में देखने को मिलते हैं मिशन टाइप के गेम, तो इस गेम में भी आपको मिशन टाइप के गेम मिल जाएंगे। कुछ 5 गेम थे आपकी PC या लैपटॉप के लिए जो कि मेड इन इंडिया है। एंड दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड लाइक एम रखते हैं 501 लाइक तो भाई जरूर से करना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा देना, वरना नूरी बाबा का आपको श्राप लगेगा भैया, देख लियो रात को नूरी बाबा आपके सपने में आएंगे। एंड वेल गाइस अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करना जो इस गेम के बारे में जान नहीं पाए या उनको पता नहीं कि भाई अपने इंडिया में भी कुछ PC गेम्स बने हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।